अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम स्नाउल्ला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस ख़ान एकेडमी तो आज हम बात करेंगे कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ करते हैं कैसे हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे हम उसमें एम सी क्यूज़ चेक करते हैं कैसे हम उसको सेव करते हैं तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है स्टडी से रिलेटेड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी ठीक है इंटर द स्टूडेंट आई एंड एग्जाम पासवर्ड टू लॉग इन द एग्ज़ाम यानी कि आपको जो आपकी जो स्लिप होगी वहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी तो आपकी सेम ही होगी एग्ज़ाम पासवर्ड एग्ज़ाम पासवर्ड वो होगा जो आपको रोल नंबर स्लिप पे दिया जाएगा ये जो आपका वैसे एलएमएस वाला पासवर्ड होता है ये वहाँ पे नहीं होगा ठीक है इसके लिए एक अलग से आपको पासवर्ड दिया जाएगा यहाँ पे करने के बाद आपने इस पर करना है लॉग इन पे क्लिक करना है लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी इस तरह की बिफोर स्टार्टिंग एग्ज़ाम रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली रिलेटेड टू द जनरल एग्जामेशन रूल्स एंड स्पेसिफिक टू द कोर्स ठीक है ये आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी इंस्ट्रक्शन में आपने यहाँ से पढ़ लेना है डो नॉट कापी ई मेज डायरेक्टली फ्राम पेंड यानी कि पेंड से आपने डायरेक्टली कापी नहीं करनी उसको पहले एम एस वर्ड में कापी करना है कोई भी ई मेज अगर आप करना चाहते हैं ठीक है तो ये आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड कर लेनी है रीड करने के बाद आपने क्या करना है के यहाँ पे आई है बाई कंफर्म दैट आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन केयरफुली यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है स्टार्ट कर देना है ठीक है स्टार्ट पेपर करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेपर ओपन हो जाएगा पेपर ओपन होगा तो यहाँ पे ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ होगा यहाँ पे एक तो कोर्स कोड होगा ठीक है और साथ में यहाँ पे यूज़र नेम होगा और उसकी स्टूडेंट आईडी होगी ठीक है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होंगे ये उनके मार्क्स होंगे नीचे क्वेश्चन होंगे और नीचे यहाँ पे उनके आंसर्स होंगे ठीक है तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सारा आ, बताता हूँ कि ये क्या कुछ है टॉप पे क्या कुछ है पेपर टॉप सेक्शन में क्या है दिस टॉप सेक्शन ऑफ पेपर स्क्रीन कोर्स डिस्क्रिप्शन इंक्लूड कोर्स कोड एंड टाइटल यानी कि यहाँ पे कोर्स कोड और टाइटल होगा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर है एम टी एच छः सौ बत्तीस का है तो यहाँ पे एम टी एच छः सौ बत्तीस होगा और यहाँ पे उसका आ, नाम होगा यानी कि सॉरी कोर्स कोड होगा कोर्स कोड मतलब छः सौ बत्तीस यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास क्या होगा आगे नेक्स्ट टू में स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम यानी कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी होगी और साथ में आपका स्टूडेंट नेम भी होगा ठीक है उसके बाद पॉइंट थ्री में क्या है करंट क्वेश्चन नंबर वर्सेस टोटल ऑफ क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर होंगे और टोटल क्वेश्चन आप यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो हैं वो ट्वेंटी सिक्स हैं और क्वेश्चन नंबर क्या है वन है अगर फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा एट ऑफ ट्वेंटी सिक्स नाइन कर रहे हैं तो नाइन ऑफ ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे इसके क्या होंगे क्वेश्चन मार्क्स एंड बजट टाइम यानी कि क्वेश्चन मार्क्स होंगे अब पहला क्वेश्चन एम सी क्यूज़ का होगा तो उसका क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे वो वन होंगे बजट टाइम होगा कि इसके लिए आ, आपके पास टाइम कितना है कितने मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वन मिनट तो ये वन मिनट मतलब आपकी मर्जी है कि आप इसको वन मिनट में सॉल्व करें ये नहीं है कि ये वन मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा नहीं आप जितना टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं

सिक्सटी मिनट से स्टार्ट होगा सिक्सटी सिक्सटी मिनट से काउंट डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यानी कि फिफ्टी नाइन फिफ्टी एट फिफ्टी सेवन इस तरह नीचे की तरफ आता जाएगा और यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि मेरा कितना टाइम रह गया है उसके बाद है इंस्ट्रक्शन बटन टू पे है इंस्ट्रक्शन बटन यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट में नहीं पढ़ी तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ओपन हो जाएगा ठीक है उसको आप अगेन से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नेविगेशन बटन है क्वेश्चन नेविगेशन बटन मतलब यहाँ से आप ये फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से बैक क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आपने पेपर के एंड पे जाना है तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और अगर पेपर के स्टार्ट में आना है तो आप इस बटन पे अगर वन बाय वन क्वेश्चन आगे लेके जाना है तो इस बटन पे अगर वन बाय वन क्वेश्चन पीछे लेके आना है तो इस बटन पे ठीक uh, है आगे क्वेश्चन क्वेश्चन सेविंग बटन है नंबर फोर पे ये जो बटन होता है इससे हम क्वेश्चन सेव करते हैं ठीक है उसके बाद हाँ सेव करके आगे आप नेक्स्ट फॉरवर्ड पे जा सकते हैं सेव किए बगैर आगे आप नहीं जा सकते उसके बाद अटैम्प्ट अन्प्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे है यानी कि ये जो बार है इसमें आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट और अन अटैम्प्ट जो है वो शो होंगे जो अटैम्प्ट होंगे वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे और जो अन होंगे वो ऐसे ही वाइट होंगे फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो अटैम्प्ट कर लिया तो ये ग्रीन हो जाएगा ठीक है जो जो आप अटैम्प्ट करते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे ग्रीन होते जाएंगे ठीक है, uh, है उसके बाद है कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस यानी कि यहाँ पे कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस है उसके बाद फिनिश बटन यहाँ पे आपके पास फिनिश बटन होगा यानी कि अगर आप एग्जाम फिनिश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको फिनिश कर सकते हैं तो ये था द इंस्ट्रक्शन आई कन अवेल इन द अवेलेबल इन द बॉटम ऑफ द पेपर विल अलाउ द स्टूडेंट टू तो ओपन एंड रीड द एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप आएंगे इंस्ट्रक्शन ठीक है तो यहाँ से फिर आप बैक भी जा सकते हैं अगर आप पेपर पे दोबारा बैक पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा कि ये आपके पास क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इस कार्ड तो यहाँ पे आपने उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करना है टिक करना है टिक करने के बाद आप क्या करेंगे उसको सेव कर देंगे ठीक है यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा अब यहाँ भी एक और चीज़ है कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मेरा गलत हो गया ये आंसर था तो इसमें इस सॉफ्टवेयर इस में वो नहीं है कि एक आपने टिक कर दिया तो वही आपका सेव हो जाएगा उसको आप अगेन से कर सकते हैं मतलब उसको रीसॉल्व आप कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे आएंगे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करके आप अगेन सेव कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन काउंट होगा ठीक है उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन हैं दूसरे सब्जेक्टिव वट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रोल बार ठीक है तो ये क्वेश्चन होगा नीचे आपके पास ये कुछ इसके टूल बार्स होंगे क्लिक हेयर टू इबल द टैक्स एडिटर यानी कि आपने अगर यहाँ पे इसका आंसर लिखना है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे क्लिक हेयर के बाद यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार ऑफ टैक्स एडिटर है यहाँ पे मतलब उसको जूम करना है उसके कुछ टूल्स यहाँ पे हैं तो इनको इतना छिड़ने की ज़रूरत नहीं होती जैसे ये होगा ऐसे ही आपने कर देना उसके बाद थर्ड पे क्या है कि आपके पास टूल फार्मेट टूल बार ऑफ द टेक्स एडिटर है यहाँ पे मतलब उसका साइज उसका उसके फ़ॉन्ट कौन से कौन से होने चाहिए बोल्ड करना है अटैलिक करना है अंडरलाइन करना है तो ये आपके पास एक टूल बार होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है इसको आपने यहाँ पे आंसर लिखना है आंसर लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको सेव करना है राइट द आंसर इन द इन दिस आंसर पैनल और दूसरी एक और यहाँ पे बात है कि यूज़ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहाँ से डायरेक्ट यानी कि माउस से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है माउस के जरिए और अगर, अगर आपने कॉपी करना है तो आपने क्या करना है कंट्रोल सी करना है और अगर आपने कहीं से कॉपी करके ले आए हैं यहाँ पर पेस्ट करना है तो आपने क्या करना है कंट्रोल वी करना है डायरेक्ट माउस से यहाँ पर आप कापी पेस्ट नहीं कर सकेंगे प्रेस सेव बटन उसके बाद आपने सेव बटन प्रेस कर देना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पेपर आ, की इंस्ट्रक्शन आएगी आ, क्लिक ऑन द फिनिश आइकन ऑफ द बटम सेक्शन ऑफ द पेपर ठीक है यहाँ पे आपने क्या करना है फिनिश का जब बटन यहाँ पे जो कि पीछे था पेपर के अंदर यहाँ नीचे ठीक है यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिनिश ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपको वो कहेगा कि यू हैव अटैम्प्ट थ्री आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी कि जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं वो यहाँ पे वो शो कर देगा कि इतने आपने अटैम्प्ट किए हैं फॉर एग्जाम्पल आप uh, मजीद अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे रिज्यूम करेंगे और पीछे क्वेश्चन पेपर पर चले जाएँगे और अगर आप uh, मतलब इतना ही पेपर सॉल्व करना चाहते थे तो आपने क्या करना है यहाँ पे टिक करना है आई हैव रीड इट केयरफुली आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट यहाँ पे टिक करने के बाद आप क्या करेंगे फिनिश कर देंगे फिनिश करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी यहाँ पे ओके जब आप ओके कर देंगे तो आपका पेपर जो है वो एंड हो जाएगा ठीक है और अगर आपका लास्ट पेपर है तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ फ़ीडबैक्स मांगेंगे फीडबैक आपकी मर्जी है इसको सॉल्व इसको टिक करके सबमिट करते हैं या नहीं करते हैं इसका कोई टाइम नहीं होता अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं भी करते ठीक है अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं उसके बाद लास्ट वाली विंडो यहाँ पे आपके पास हो जाएगी थैंक यू थैंक यू के बाद आपका पेपर बिल्कुल फिनिश फिनिश तो यहाँ पे ही हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास लास्ट वाली विंडो क्या कहेगा थैंक यू और उसके बाद आप एग्जामिनेशन से आउट हो सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं Thanks so much for watching. Allah face.